10 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा और होली के त्यौहार से पहले कोटा थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीओपी कोटा रश्मीत कौर चावला, तहसीलदार कोटा प्रमोद गुप्ता, नायब तहसीलदार राजेंद्र भगत सहित कोटा नगर सहित ग्रामीण इलाकों के जनप्रतिनिधि, सामाजिक वर्ग के बुद्धिजीवी, गणमान्य नागरिक सहित मीडिया के पत्रकारों की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद लोगों से कोटा नगर सहित ग्रामीण इलाकों में शांतिपूर्वक होली का त्यौहार मनाए जाने की अपील की गई। अधिकारियों ने समझाइश देते हुए कहा है कि बेवजह किसी को रंग नहीं लगाया जाए। होली के त्यौहार को देखते हुए परसों थाना तखतपुर में, कल थाना रतनपुर में और आज थाना कोटा में शांति समिति की बैठक ली गई है, जिसमें गणमान्य नागरिक जन, पार्षद, सरपंच सब उपस्थित रहे और उन्हें समझाइश दी गई है कि कहीं भी होली में ऐसी कोई बात विवाद की स्थिति आती है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। अच्छे रंगों से होली खेलें, सूखी होली खेलें, पानी का जितना मिनिमम यूज होता है उतना करें। भोपाल में